किसी विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव जी, विद्यार्थी को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए और विद्यार्थी कैसे अच्छे अंक ला सके, उसे क्या करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। पहली बात तो हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन खाली आगे बढ़ना चाहने से आप आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको आगे बढ़ने वाले फार्मूलों को फॉलो करना पड़ेगा, उन सूत्रों का अनुपालन करना पड़ेगा और संभल के रहना पड़ेगा। पहली बात तो विद्यार्थी को संयम नियम से रहना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए, क्रोध को मिटाना चाहिए। जो ज़्यादा क्रोध करता है उसकी बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाता है और उसी में दिमाग गर्म रहेगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। विद्यार्थी को फिजूल में घूमना नहीं चाहिए, अधिक समय तक खेलना भी नहीं चाहिए, मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और माता पिता का सम्मान करना चाहिए, घर में मिलजुल करके रहना चाहिए और घर की परिस्थिति देख करके उसी के अनुसार खर्चा करना चाहिए और फिजूल खर्चे नहीं करना चाहिए। बहुत चटोरीपना विद्यार्थी में नहीं होना चाहिए, श्रृंगार फैशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैशन और श्रृंगार काम वासना को उद्दीप्त करता है और जहाँ विषय भोगों की तरफ मन आपका जाएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कबीर, मन तो एक है चाहे जहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय कमाओ। तो ब्रह्मचारी जैसा जीवन इसको भी जीना पड़ता है, विद्यार्थी को एक साधु जैसा ही रहना पड़ता है। साधु का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, विद्यार्थी का लक्ष्य विद्या प्राप्त करना। और विद्यार्थी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथयुचा अल्पहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवा जैसी चतुराई हो, चेष्टा कौवा जैसी हो, बगुले जैसा ध्यान हो और कुत्ते जैसी हल्की नींद हो और अल्प भोजन करे और गृहस्थी का त्याग करे। गृहस्थी में उसको नहीं फंसना चाहिए विद्यार्थी को। गृहस्थी का मतलब होता है व्यभिचार भी न करे, लड़कियों की तरफ आकर्षित ना हो, लड़कों की तरफ आकर्षित ना हो, वो विद्यार्थी सफल होता है। मन को एकाग्र करना सीखे, इसके लिए भी विद्यार्थी को प्रवचन सुनना चाहिए। गुरु जी का प्रवचन सुनते सुनते मन निर्मल हो जाता है और मन एकाग्र हो जाता है। इससे जो है मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है और विद्यार्थी जरूर सफल होता है। आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और विद्यार्थी जीवन एक साधना का जीवन है, इसमें स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा महत्व है, साथ साथ में माता पिता का आज्ञाकारी भी होना चाहिए। माता पिता के आज्ञाकारी बनो, कम भोजन करो और फिल्म मत देखो, सीरियल मत देखो, ये खाम खां की चीज़ों में व्यर्थ अपना समय मत गवाओ। ट्यूशन भी पढ़ लो, कोचिंग भी कर लो, ध्यान को एकाग्र करके पढ़ाई करो, खूब याद शक्ति को बढ़ाओ, स्वस्थ रहो, पेट का डाइजेशन सही रखो और लक्ष्य बनाओ। पहली बात तो विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, विद्या अध्ययन क्यों कर रहा हूँ, इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आपको मैं पूछ लेता हूँ प्रश्न, आपको जीवन में कपड़ा चाहिए, वो कैसे मिलेगा, धन से मिलेगा। चप्पल जूता चाहिए, धन से मिलेंगे। गद्दा रजाई चाहिए, धन से मिलेगा। मकान चाहिए रहने के लिए, धन से मिलेगा। गाड़ी चाहिए चलने के लिए, धन से मिलेगी। धन कहाँ से मिलेगा, धन तुमको कमाना पड़ेगा, धन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन खाली मेहनत से भी काम नहीं चलेगा, अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप कितनी कठोर मेहनत करो, सड़क पर पत्थर फोड़ते रहो फिर भी आपको शाम तक 200-250 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि आपने शिक्षा प्राप्त किया है, उच्च क्लास की संस्कार प्राप्त किए हैं, तो आप कलेक्टर भी बन सकते हैं, डीएम एसपी बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं जिनका वेतन 1.5 लाख महीना, 1 लाख महीना, 80,000 महीना। डॉक्टर बन गए तो आप मरीजों को जितना देखोगे, कुशल डॉक्टर बनो। लेकिन शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं बन सकते हो, इसलिए शिक्षा प्राप्त करो। और शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन है लोगों के लिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन पढ़ने में लगता नहीं। अभी हमारे पास में एक साधु था, वो 2.5 साल से रह रहा, 2.5 साल में उसको 25 दोहा नहीं याद थे। एक दिन मैंने समझाया तो 3 दिन में उसने 70 दोहा याद किए। अब 2.5 साल में तो बहुत दोहे याद कर डालता हो, लेकिन पढ़ा ही नहीं, मन चंचल है, बस बैठा रहता है, काम करता रहता है,
अब पढ़ना नहीं चाहता है तो बुद्धू बना रहेगा, जहां हंसों की सभा बैठेगी उसमें बगुला जैसा बैठा है, मुंह होकर के कुछ मालूम ही नहीं है। आदमी को जब ज्ञान होता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उसकी योग्यता बढ़ती है तो उसका सम्मान बढ़ता है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है। अयोग्य आदमी को कहाँ सम्मान मिलेगा, कौन सम्मान देगा? राजनीति में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें भी शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साधु लाइन में भी बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। हर जगह बिना शिक्षा के आप विकास नहीं कर सकते हैं, बिना पढ़ाई के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और पढ़ाई का मतलब ये भी नहीं है कि आप स्कूल में ही पढ़ाई होगी, स्कूल की शिक्षा से आपको डिग्री मिलेगी लेकिन पढ़ाई आपको जिंदगी भर करनी पड़ेगी। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं जाते हैं दो चार किताबें भी लेकर के जाते हैं, रास्ते में पढ़ते रहते हैं, हवाई जहाज में सो लेते हैं, वहाँ फिर भाषण शुरू करते हैं, हवाई जहाज में पढ़ लेते हैं। तो आदमी को तो ज्ञान जिंदगी भर प्राप्त करना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन जिसका सफल नहीं है, उस व्यक्ति की जवानी भी दुखद रहेगी, बुढ़ापा भी दुखद रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा और गरीब भी बना रहेगा, कंगाल बना रहेगा। और धन यदि आपके पास नहीं है तो निश्चित है रिश्तेदार भी आपका आदर नहीं करेंगे। आप कहीं मेहमान बनोगे, वह लोग भी आपको मन से आस्था से नहीं रखेंगे, प्रेम से सोचेंगे अरे आया है दे दो इसको कुछ। लेकिन आपके पास यदि अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी व्यवस्था है, आपके द्वार पर कोई आता है उसको अच्छा नाश्ता खिलाते हैं, लेकिन कब? जब आपके पास में धन होगा। और धन कब होगा? जब आप योग्य होंगे। और योग्य कब होंगे? जब आप पढ़ने में शिक्षा में मन लगाएंगे और चरित्रवान होंगे। कई बार लोग शिक्षा भी प्राप्त कर लेते, सर्विस भी प्राप्त कर लेते, फिर भी धक्का खाते रहते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि चरित्रहीन है, व्यभिचारी हैं, दारू पीते हैं, उल्टा पलटा काम करते हैं, कुकर्मी लोग हैं, तो वो तो दुखी रहेंगे। तो कुकर्म भी नहीं करना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी को धन कमाने योग्य ऊंची शिक्षा, ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, डिग्री भी प्राप्त करना चाहिए। जिस फील्ड में आपकी जाने की इच्छा हो उसमें जाइए। और आपके पास में जब पैसे होंगे तो आप किसी को सहयोग कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, दान पुण्य भी कर सकते हो, आप गरीबों को मदद कर सकते हो, देश को मदद कर सकते हो, देश पर कोई संकट आ जाए। जैसे अक्षय कुमार जी ने अभी 25 करोड़ दिया और रतन टाटा जी ने 1,500 करोड़ दिया लॉकडाउन में, और हमारे मुकेश अंबानी जी ने 1,000 करोड़ दिया, और हमारी संस्था की ओर से भी लाखों रुपये दान पहुंचा। हमारे बहुत से भक्त लोगों ने भी कुछ दिया है सहयोग, उनका भी दान गया। जैसे कार्तिक राम यादव, उन्होंने 25,000 रुपये भेजे कि पीएम के सेवा कोष में हमारी तरफ से भी संस्था में मिला करके दे दिया जाए, वो पहुंचा। ऐसे बहुत से भक्त लोग हैं। तो जब उनके पास में है, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, योग्यता है, ज्ञान गुण है, बुद्धिमानी है, एकाग्र होकर के उसमें लग जाते हैं, तभी तो उनको सफलता मिलती, धनवान बनते। धनवान बनना ऐसे कोई आसान थोड़े है। धनवान बनने के लिए भी आपको पहले योग्य बनना पड़ेगा। और धन की आवश्यकता सभी को, बीमार हो गए दवाई चाहिए पैसे से मिलेगी, चप्पल जूते चाहिए पैसे से मिलेंगे, घड़ी चश्मा पैसे से मिलेगा, बिछावन पैसे से मिलेगा, मच्छरदानी पैसे से मिलेगी। तो ये पैसा तुम्हारे लिए कौन कमा कर देगा? माँ बाप चलो हैं 50-60-70 साल की उम्र में मर जाएंगे और तुम 40 साल के हो गए तो तुमको भी तो कमाना पड़ेगा। तो इसलिए विद्यार्थी को सोचना चाहिए, यदि सम्मान से जिंदगी जीनी है, सुख से जिंदगी जीनी है, प्रसन्नता से जिंदगी जीनी है, तो आपको सबसे पहले विद्या धन में लग जाना चाहिए। नहीं तो माँ बाप की मृत्यु के बाद खूब भटकोगे, उनकी जिंदगी में ही ठोकरें खूब खाओगे, अपमान के घूंट पियोगे, दिमाग सब दुरुस्त हो जाएगा, इधर उधर घूमने की आदत का फल मिल जाएगा। तो घुमक्कड़ मत बनिए, हीरो कट मत बनिए, केवल बालों को सजाते रहो, फैशन बनाते रहो, इससे काम चलने वाला नहीं है। सादा जीवन रखना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, और गुरु जी का आशीर्वाद लो, गुरु जी का प्रवचन सुनो, विद्या अध्ययन में आपका मन लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपको दी जाती है। आपका मैं प्रोग्राम कराना चाहता हूं तो प्रोग्राम कैसे मिलेगा? ये प्रोग्राम बहुत आसानी से मिल सकता है, क्योंकि हम 12 महीने प्रोग्राम करते रहते हैं, और ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं कि इस जिले से उस जिले में, इस प्रदेश से उस प्रदेश में, इस देश से उस देश में, इस गांव से उस गांव में। और हम प्रोग्राम प्रायः 1 दिन का देते हैं या 2 दिन का देते हैं, और बहुत मुश्किल से 3 दिन का प्रोग्राम देते हैं। प्रोग्राम के लिए आप संपर्क यदि साधना चाहते हैं तो फिर
9754672282 पर संपर्क करें डायरेक्ट, या 9516262222 इस पर संपर्क करें। ये प्रोग्राम विभाग देखते हैं। तो पहले जो नंबर लिखाया हूँ 97 54 67 22 82 वो नंबर पर आपको प्रोग्राम मिलेगा और प्रोग्राम की पूरी जानकारी मिलेगी। उसको हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर डील करते हैं और वो आपको ऐसा प्रोग्राम मिलने में आसानी रहती है। पहले उनसे आपको कहना पड़ेगा कि हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, संत जी हमको प्रोग्राम का टाइम दीजिए। फिर आपको चॉइस करनी पड़ेगी आप किस टाइम प्रोग्राम करना चाहते, किस महीने में, किस वर्ष में, वो उनको बता दीजिए, फिर वह आपको टाइम देंगे। और उनको व्यवस्था भी हमारे प्रोग्राम में बहुत आसान रहती है, क्योंकि 25-30 हजार श्रोताओं के बैठने के लिए मंडप भी हमारे साथ में ठेकेदार, उसके पर्दे भी हैं, यानी सत्संग की टोटल व्यवस्था, सत्संग स्थल आपको साफ सुथरा करके वो देना है, बाकी व्यवस्था सब हमारे साथ में आती है। और उस व्यवस्था में बहुत बड़ी बात है, वो व्यवस्था आपको मिलेगी। माइक सिस्टम भी बहुत बड़ा आता है और साथ साथ में हमारे ये जनरेटर भी आता है और साथ में ब्यास गादी भी आती है, सजावट के लिए फूल वगैरह आते हैं और कुछ आप वहाँ से भी अपने ब्यास गादी की सजावट कर सकते हैं। और संत महात्मा हमारे साथ में आते हैं, कभी 21 संत आते हैं, कभी 15 संत आते हैं और कभी ऐसे बढ़ जाते हैं तो 25-30 संत हो जाते हैं। ज़्यादा संख्या इनकी नहीं हम बढ़ाते हैं ताकि भक्ति के ऊपर लोड भी ना आए। और संत लोग संस्था की गाड़ियों से ही आते हैं और 2 ट्रकों में पंडाल आता है और 1 ट्रक में माइक सेट आता है, वीडियो कैमरे भी 3-4 आते हैं और साथ में तुरंत लाइव टेलीकास्ट भी यूट्यूब पर कर देते हैं, उसका भी मशीनरी सिस्टम सब आता है और गुरुदेव का बिस्तर का सामान वो भी सब आता है। खाली बेड आपको देना होता है और टेबल वगैरह देने होते हैं, गुरुदेव के बैठने के लिए सोफा वगैरह की व्यवस्था आपको करनी होती है। और जिस मकान में रहना होता है उस मकान में कोई गृहस्थ ना रहे, ये शर्त होती है, कोई गृहस्थ ना रहे, दूसरे लोग ना रहें वहाँ पर, माताएं बहनें ना रहें, और उस मकान को पूरा खाली करना है। और आप अपना सामान एक कमरे में बंद करके ताला मार दीजिए, वहाँ पर लेट बाथ की व्यवस्था साफ सुथरी रहे। और हमारी संत मंडली का जो भोजन भंडारा है, अगर बड़ी जगह है तो वहीं पर बन जाता है, अगर छोटी जगह है तो उनके लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढना पड़ता है, लेकिन वो भी माताओं बहनों से मुक्त स्थान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ब्रह्मचारी संत हैं, हम त्यागी तपस्वी संत हैं, तो माताओं बहनों के साथ में हर समय रहने से अच्छा नहीं लगता है, अपने को संकोच लगता है, शर्म भी लगती है और साथ साथ में कुसंग भी पड़ता है, इसलिए हम उनके साथ में नहीं रहते हैं। दूर नियम हमारा है, हमारी संस्था का, और परस्पर सब लोग संगठन भी बनाइए। प्रोग्राम करना चाहते हो गांव के साथ मीटिंग बैठिए, 10 गांव के साथ अच्छे अच्छे 10 गांव के लोगों को बुलाइए, 50 गांव के लोग मिलजुल करके प्रोग्राम करिए। प्रोग्राम में अर्थव्यवस्था मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि अब प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, उसमें व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। प्रचार प्रसार आप तगड़ा करें, यानी प्रचार प्रसार का महत्व होता है, क्योंकि व्यवस्था कितनी अच्छी बना ली अगर प्रचार प्रसार नहीं किया है तो लोग वहां इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, सूचना मिलनी चाहिए सबको। तो यूट्यूब में भी अपने प्रोग्राम को डालिए, टीवी चैनल में पट्टी चला दीजिए, और वो पट्टी हमारे आश्रम के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ही चला देंगे और यूट्यूब में भी हमारे संत जी डाल देंगे। अनाउंस करवाइए, अनाउंस की गाड़ी एक चाहिए या 2 चाहिए संस्था की ओर से आपको फ्री मिलेंगी, डीजल डालिए उसमें, ड्राइवर को भोजन कराइए, गांव के 8-10 लोग बैठ जाइए और उस गाड़ी को लेकर जाइए, एक दिन में 25 गांव में अनाउंस करेगी, अनाउंस फिट आएगा उसमें सब बना हुआ। और हमारे संस्था से आपको पोस्टर पंपलेट होर्डिंग ये सब बने हुए फिट मिलेंगे, पोस्टर छपे हुए आएंगे और पंपलेट भी आएंगे और होर्डिंग भी आएंगे, होर्डिंग खंभों में लगाने वाले भी आएंगे, चौराहों पर लगाने वाले आएंगे, फ्रेम सहित बना करके होर्डिंग आपको दिए जाएंगे और उनको खंभों पर बांध देना है, जहाँ जगह अच्छी देखो ऊंचे बांध दीजिए,
तो प्रचार प्रसार खूब होना चाहिए। कुछ आमंत्रण कार्ड छाप लीजिए, जो कि विशेष लोगों के द्वार पर जा करके उनको निमंत्रण दीजिए सम्मान के साथ। क्षेत्र के जैसे माननीय गण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, MLC हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, मुखिया है, चेयरमैन है, पत्रकार मंडल है, इनको सम्मान के साथ आमंत्रित भी कर लीजिए। जैसे DM है, SDM है, तहसीलदार हैं, पटवारी है, इनको भी आमंत्रित कर लीजिए, क्योंकि वह भी मनुष्य हैं, उनका भी कल्याण हो और उनको भी ज्ञान की आवश्यकता है, उनको भी शांति चाहिए। और सब आएंगे प्रेम में और सुनेंगे, सबका उद्धार होगा। और प्रवचन मानव समाज के सुधार के लिए है, प्रवचन तुम्हारा सौभाग्य उदय करने के लिए है, प्रवचन आपकी उन्नति के लिए है, प्रवचन आपकी शांति के लिए है, प्रवचन आपकी जिंदगी से जुड़े हुए नाना प्रकार के विषयों पर प्रवचन होता है, तो उस प्रवचन का लाभ लीजिए। और इसमें आप जब तारीख लेंगे तब आपको कुछ एडवांस राशि भेजना पड़ता है मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को, उनका नंबर 97-54-67-22-82 है, उनको राशि अकाउंट में भेज देंगे। वो राशि उस चीज़ की है जैसे बयाना दिया जाता है, बयाना दिया जाता है, तो ऐसे कि आपका प्रोग्राम पक्का हो गया। और कार्यक्रम होने से पहले व्यवस्था खर्च पूरा आपको जमा कर देना पड़ता है, डेट मिलेगी, व्यवस्था खर्च आप भेज दीजिए, तब आपका कार्रवाई आगे बढ़ेगा। क्योंकि वहाँ से जो है 25 कर्मचारी आएंगे जो कि मंडप लगाएंगे, उनका खर्चा, मंडप का खर्चा, हालांकि ये सब नॉमिनल खर्चा होता है, बहुत महंगा नहीं होता है, वीडियो कैमरों का खर्चा, माइक सिस्टम का खर्चा, ट्रकों का खर्चा, ये सब खर्चा मिला करके वही व्यवस्था खर्च उनको देना पड़ता है। और गुरुदेव जब आपके यहाँ आएंगे तो गुरुदेव हैं, संत महात्मा हैं, इनको वस्त्र दान कीजिए या साल दान कीजिए या इनके सेवा के लिए कुछ वस्तुएं जो आवश्यक हों वो ला दीजिए और इनको दक्षिणा दे दीजिए। आपके गुरु जी हैं, आपके संत जी हैं, आप इनको इतनी दक्षिणा दे दीजिए कि जिस वाहन से लोग आए हैं उस वाहन का डीजल खर्चा वो सब इनका निकल जाए, ताकि इनको भी असमंजस ना पड़े। और इस तरह से प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करिए, FM में भी प्रचार प्रसार कर दीजिए और माउथ टू माउथ भी प्रचार प्रसार कीजिए। और गांव में मीटिंग जरूर कीजिए, सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि ना जोड़ने से लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्वाभिमान को ठेस लगती है और फिर विरोध करने लगते हैं असमंजस। और सबका सहयोग भी ले लीजिए, कोई सहयोग दे या ना दे, आप अपनी तरफ से कह दीजिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमको सब लोग सहयोग दें। ये कार्यक्रम जो है महायज्ञ है, ज्ञान का यज्ञ है और सबके कल्याण के लिए है, तो लोग सहयोग करेंगे और वो सहयोग से आपको सरल हो जाएगा। गांव वालों को सेवाओं की ड्यूटी भी वितरण कर दीजिए कि जल व्यवस्था आपके जिम्मे है, भोजन व्यवस्था आपके जिम्मे है, संतों की व्यवस्था आपके जिम्मे, आप देख रेख वहाँ करें। चार लोग जो आगंतुक आएंगे उसको रिसीव करने की ड्यूटी आपकी है, सबको सम्मान, उनके कार्ड भी लगा दीजिए, बैच लगा दीजिए, उनका सम्मान होना चाहिए। सभी लोग जो है सफ़ेद पैंट शर्ट या सफ़ेद कुर्ता पाजामा कार्यक्रम के समय यूनिफार्म धारण करें और कार्यकर्ताओं के बैज लगा होना चाहिए, कार्ड लगा होना चाहिए, ताकि उनकी अलग से पहचान हो सके। और यदि श्रोताओं के लिए भंडारा आप करते हैं, करना चाहते हैं, यदि क्षमता है आपके तो करें, क्षमता नहीं है तो अपने क्षमता अनुसार प्रसाद बांट दें, बूंदी का प्रसाद बांट दें या लड्डू का प्रसाद बांट दें या वो लैया मुर्रा मुरमुरा जो बोलते हैं उसको बांट दें, जैसी आपकी क्षमता हो। लेकिन यदि भंडारा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो सोने में सुगंध है, क्योंकि प्रोग्राम तो अच्छा होता है लेकिन प्रोग्राम में भोजन व्यवस्था होती है तो उसमें श्रोताओं की संख्या भी बढ़ जाती है। और श्रोताओं की संख्या जब बढ़ती है तो बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि सबका सुधार होता है। अभी जैसे नेपाल में सिमरौन गढ़ में प्रोग्राम हो रहा था तो करीब 50-60 गांव के लोग मिल करके वो प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन कोरोना के कारण वो पोस्टपोन हुआ। हमारे राज विराज के डॉक्टर दिलीप यादव जी प्रोग्राम कर रहे थे, जो बैंकों के मालिक हैं, उनका भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा किया था और आर्थिक स्थिति में वे स्वयं संपन्न थे। यदि आप आर्थिक स्थिति में स्वयं संपन्न हैं तो आर्थिक सहयोग किसी से मत लीजिए, उसमें और प्रोग्राम में शान आ जाती है। और यदि आप में संपन्नता नहीं है तो आप आर्थिक सहयोग ले सकते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है।
यदि आप आर्थिक सहयोग के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और लोग आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो उसको मत डरिए, क्योंकि निंदा तो भगवान राम की भी लोगों ने किया था और कृष्ण से भी विरोध किया था, राम का विरोध किया। तो ये दुष्ट राक्षस जो है ये तो हमेशा रहते हैं, इनकी निंदा बुराई से डर करके आप अपना कार्य बंद मत करिए। आप तो सबका सहयोग लेकर के पुण्य का कार्य कर रहे हैं, लोग बकते रहेंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारा प्रोग्राम करना बहुत आसान है, क्योंकि सत्संग की पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ से आती है, सब लाइट मंडप में वहीं से लगती है। अब यहाँ लाइट लगानी है, अगर जैसे सत्संग स्थल से गांव तक लाइट, सड़क पर लाइट, वो आप यहाँ लोकल में लगवा दीजिए, ताकि यहाँ लोकल वालों को कुछ फायदा होना चाहिए। या भोजनालय में कुछ मंडप लगाना है तो लोकल में जिनके पास मंडप उनका लगा लीजिए, और फूल माला भी पर्याप्त लाइए ताकि स्वागत में भी कमी न रह जाए, उसकी व्यवस्था भी अच्छी बना लीजिए। और संत महात्मा तो संतोषी होते ही हैं, इनके भोजन व्यवस्था में दाल चावल सब्जी और आटा और मिर्च मसाला बस यही लाना पड़ता है, और ज़्यादा कुछ सिलेंडर पूड़ी कचौड़ी हम किसी से मंगाते नहीं हैं। अपनी तरफ से कोई बोलता है कि पूड़ी बना लो आज, तो कभी कभी संत लोग बना लेते हैं, बाकी सादा भोजन सादा जीवन हम रखते हैं और सादे कपड़े भी पहनते हैं, क्योंकि हम संत हैं और संत को सादा रहना ही चाहिए और सिंपल भोजन करना ही चाहिए। इससे साधना भी बनती है अच्छी और मन भी पवित्र रहता है और जीवन में सबको प्रेरणा भी मिल जाती है कि देखिए ऐसा सिंपल जीवन होना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम करने की इच्छा है ये महापुण्य का कार्य है, क्योंकि कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि अश्वमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ हैं, हवन हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन होता है? तो कृष्ण ने कहा था ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ कोई बहुत बड़े महात्मा तत्वज्ञानी के मुखारविंद से जो ज्ञान की चर्चा होती है उसे ही ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो उन्होंने इस श्लोक में बताया है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना श्रेयान द्रव्यम यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। सत्संग कराना तो इतना पुण्य का काम है, कल्याण का काम है, प्रोग्राम करना कि हजारों लाखों लोगों के पाप ताप संताप त्रेताप सब मिट जाते हैं, स्वभाव बदल जाते हैं, आचरण सुधर जाते हैं, घर घर में शांति आती है और सबका सुधार होता है। इसलिए प्रोग्राम करने वाले को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और प्रोग्राम करना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। जिस राह से गुरुदेव को आना है उस राह की भी साफ सफाई कर दीजिए, जल का छिड़काव कर दीजिए, गुरुदेव का आवास स्थल साफ कर दीजिए, वहाँ गमले उमले रख दीजिए और व्यास गादी पर भी गमले फूलों के रख दीजिए, सजावट बना लीजिए और गाँव वालों को सबको जोड़ लीजिए। और ये तो एक प्रकार से गाँव का नहीं, पूरे क्षेत्र का नहीं, पूरे जिले का कल्याण करने का कार्यक्रम है, और इससे आपको सुख शांति सुकून उन्नति सब कुछ प्राप्त होगी। अतः कार्यक्रम आप कर सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।